बार फिर से मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने ये हकीकत रखना चाहती हूँ। क्यों हम लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई? आंकड़े लेकर आई हूँ। गैस का सिलेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज अगर उत्तराखंड की ही मैं बात करूं तो ये सिलेंडर देश भर में 1052 रुपए से 1200 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ रहा है। 156% गैस के सिलेंडर में पिछले 8 सालों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 71 रुपए प्रति लीटर सबसे अधिकतम थी, 71 रुपए अधिकतम। यहां पर क्या है, मोदी जी के शासनकाल में 100 रुपया पार करते हुए आपने हमने पेट्रोल को देखा है। डीजल की कीमत कभी भी 57 से ऊपर नहीं पहुंची थी, आज 55 रुपए 95 प्रति लीटर डीजल है। सरसों का तेल जो 90 रुपए हुआ करता था प्रति लीटर अधिकतम, वो 200 रुपए पहुंच चुका है। आटा 22 रुपए था, 35 से 40 रुपया आटा, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, दूध, बच्चों के मुंह से दूध छीना गया, 2 रुपए करते करते ये 35 रुपए जो है प्रति लीटर जो है उसे 71% जो है वो महंगा किया गया है। ये कुछ पोस्टर है, मोदी सरकार ने 8 साल में रचा इतिहास। क्या इतिहास रचा? थोक महंगाई 30 साल के उच्चतम स्तर में, ये जो है रिकॉर्ड है। आगे लाती हूँ आपको, मोदी सरकार के 8 साल में रचा इतिहास। पहली बार गैस का सिलेंडर हुआ 1000 पार। और आपको मालूम है, अखबार की कटिंग है अभी दिखाऊंगी, कि पूरे विश्व में सबसे महंगा अगर कहीं एलपीजी गैस का घरेलू सिलेंडर बिक रहा है तो वो भारत में बिक रहा है, विश्व में सबसे महंगा। महंगाई पर हल्ला बोल, 410 का सिलेंडर एलपीजी 1053 का पहुंचा हुआ है।